जहां न्यू दिल्ली में 300 यूनिट फ्री हैं जी, 300 यूनिट पहले सारे भारतीयों को फ्री हैं। वहां पे सऊदी अरब जाके मुआहिदा क्या कर रहा है अंडर सी पावर ग्रिड का, और जहां पे 90 रुपए यूनिट होने जा रहा है वहां पे वो आना भी पसंद नहीं कर रहा। क्यों आएंगे, सीधी सी बात है, यहां पे क्या है, क्या आप दे रहे हैं किसी इनिशिएटिव, क्या आप किसी मुल्क के लिए यहाँ पे कोई तजारत के लिए बड़े कोई वसीब और अच्छे मौके हैं, क्यों कोई आगे इन्वेस्ट करेगा? बड़ी बात है जी। कैसा लगता है भारत की कामयाबी को देखते हुए एज अ पाकिस्तानी? हमें तो बुरा ही लगेगा, पाकिस्तानी है। बुरा क्यों लगेगा हमें अगर वो कामयाब होगा तो? वो तो अपने लिहाज से हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, वो तरक्की कर रहा है, अगर मेहनत कर रहा है तरक्की करनी चाहिए ना। कि उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है और स्टेट विजिट पर थे और 8 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जिनमें एक रिफाइनरी है, और जिस पे मुझे एक सख्त तशवीश है, कुछ जो रिफाइनरी आपके ग्वादर के पास लग रही थी कि वही तो नहीं उठा के उन्होंने उनको दे दी। मेरी जिंदगी का मैंने 30 साल फॉरन में गुजारे हैं, बाहर कंट्री के अंदर, मैं कुवैत रहा हूँ, सऊदी अरब रहा हूँ, मैं उन वहाँ पे पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट है ना या जो डिग्निटी है वो इस वक्त जीरो है। जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं हुआ। अगर मौका मिला तो जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करूंगा जाना। क्यों सर, क्यों? मतलब आखिर ऐसा भारत ने आपका क्या बिगाड़ लिया या क्या हो गया? ठीक नहीं है ना भारत में, भारत में पाकिस्तानियों के लिए। कौन आपको बताता है कि वहाँ पे पाकिस्तानियों के साथ बहुत? हम तो मीडिया सुनते हैं ना। मीडिया देख रहा था तो वो जो बयान ऑयल मोहम्मद बिन सलमान का प्रोजेक्ट है बाई 2030, उसमें इंडिया फिट आता नजर आ रहा है, हम इसमें कमजोर होते नजर आ रहे हैं। चेंज दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अविस रिएक्शन। तो दोस्तों, G20 समिट काफी सक्सेसफुल रहा इंडिया के अंदर, इसकी तारीफ तो पूरी दुनिया ने की और इसका कवरेज भी फॉरेन मीडिया ने खूब किया है। मगर भाई हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इसकी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे कवरेज नहीं दी गई, इसके बारे में बातें नहीं की गई। जाहिर है अगर इंडिया की चमक दमक अगर वो उनकी मीडिया पे दिखाते तो उनकी पोल खुल जाती, क्योंकि वो इंडिया के बारे में हमेशा इंडिया में गुर्बत है, इंडिया में लोग फुटपाथ पे सोते हैं, यही चीज़ें वहाँ पे दिखाया करते हैं, तो इसीलिए शायद उन्होंने ये दिखाया नहीं है। मगर भाई पाकिस्तान को झटका तो ये लगा कि जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, वो 6 घंटे के लिए पाकिस्तान में विजिट करने वाले थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दी। इंडिया में एक दिन रुक के उन्होंने बहुत सारी ट्रेड डील्स किए मोदी जी के साथ में, इंडिया के साथ में, और उसी साथ में भाई इंडिया ने उसे गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, तो इसलिए वहाँ पे बहुत चर्चाएँ शुरू है और लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं वहाँ पे, सऊदी अरेबिया के बारे में, इंडिया के बारे में, इंडिया की तरक्की के बारे में बातें हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ की आवाम क्या कहती है और वहाँ की सोशल मीडिया पे क्या बातें शुरू है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो। आज आपसे क्वेश्चन ये है, G20 अभी रिसेंटली हुई है, आपने देखा पूरी दुनिया के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो इस टाइम भारत की सरजमीन पे उन्होंने लैंड किया और बड़ी कामयाब मतलब जो है वो G20 का मीटअप रहा। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान आना था लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया, वो ही भारत में जाके अंडर सी पावर ग्रिड का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें दोनों कंट्रीज बिजली जो है आपस में एक्सचेंज करेंगी एक दूसरे के साथ। ये उस कंट्री के साथ किया है जो पहले ही इतनी बना रही है कि वो और कंट्रीज़ में जो है वो बिजली दे रही है। सर हम बात करते हैं हमारे बड़े भाइयों वाले ताल्लुकात, बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, सर इस तरह का प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान के साथ नहीं किया, भारत के साथ जाके कर लिया, क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? पहली बात तो ये है कि बरादराना ताल्लुकात थे, अभी नहीं है। वो आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी ये जो गवर्नमेंट है इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको देखते हुए कोई भी मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मैंने 30 साल फॉरेन में गुजारे हैं, बाहर कंट्री के अंदर, मैं कुवैत रहा हूँ, सऊदी अरब रहा हूँ, मैं उन वहाँ पे पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट है ना या जो डिग्निटी है वो इस वक्त ज़ीरो है, ज़ीरो से भी बदतर है। कौन मुल्क चाहेगा इन हालात में यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करे, अपना पैसा बर्बाद करेगा? क्या हो रहा है गुज़श्ता 1.5-2 साल से, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आपके सामने ही है। सर किस तरफ जा रहे हैं अगर देखा जाए तो? तबाही की तरफ। सर G20 भारत में हुई है बड़ी कामयाब, पूरी दुनिया के लीडर्स ने जो है वो वहाँ पे शिरकत की है, पाकिस्तान नज़र नहीं आया कहीं पे भी। पाकिस्तान के वो अजली दुश्मन अपना बदला ले रहे हैं और पाकिस्तान को सियासत करनी नहीं आती है उनकी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वजारत खारजा बिल्कुल फेल है, जो इनको कन्विंस ही नहीं कर सके कि G20 में बुलाया नहीं गया। बहुत से कंट्रीज़ थे जो G20 का मतलब जो है वो मेंबर नहीं है,
लेकिन उनको वहाँ पे इनवाइट किया गया, लेकिन पाकिस्तान को नहीं इनवाइट किया गया। वर्थ ही नहीं है इस टाइम किसी लिहाज से, किसी भी कंट्री में ना इज्जत है ना वर्थ है, लीडर ही चोर टकरे हुए पाकिस्तान को। सबके सामने महंगाई कहाँ है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी ये सो कॉल्ड लीडर्स बोलते हैं जी हमें एक मौका और, जो तीन तीन चार चार बारियां लेके जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आगे क्या करेंगे। वो पंजाबी में एक मिसाल है ना, जड़े हथे कोड़े और मक्के भी कोड़े, जिन्होंने पहले कुछ नहीं किया वो अब क्या करेंगे। और अवाम को हमने दिया क्या है इन्होंने 40 साल में, आज पाकिस्तान में क्या है, ना तालीम है, ना सेहत है, ना बिजली है, ना रोज़गार है, क्या है पाकिस्तान में। 7-7.5 लाख आपका जो क्रीम थी, पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, किसी को परवाह ही नहीं है, फिर भी ये कहते हैं जी हमें एक मौका और दे दो हम और मोहल्लात खड़े कर लें। मुझे ये बताएं 30 साल होता है भाई, दुख होता है, हमारी जनरेशन तो बर्बाद हो गई ना। कुवैत एक छोटा सा मुल्क है, 2009 से उन्होंने पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हुए हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया इस पर। जब भी जाते हैं भीख मांगने जाते हैं, कभी उनका ब्रीफकेस चोरी कर लेते हैं, कभी उनका वो बैग चोरी कर लेते हैं, क्या पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट है। कोई यहाँ पे अत्ता कि आपके जो पाकिस्तानी हैं रेमिटेंस उन्होंने भेजने बंद कर दिए हैं, किसको परवाह है, मर रहे हैं हम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, मर रहे हैं ये गरीब लोग जो रोज़ करते हैं, जो रोज़ दिहाड़ी जिन्होंने करनी है रोज़ खाना है। भारत दुनिया का पहला ऐसा मुल्क बन गया जिसमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आ रही है। जी हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है, हम बढ़ के बड़ी बड़ी मारते हैं, हम ये करें हम वो करें, हमने कश्मीर आज़ाद कराना है हमने, हमारा हकीकत यह है कि हमारा भारत से कोई कंपैरिजन नहीं है, भारत हमसे बहुत आगे है। कितना आगे है? लिहाज से वो बहुत आगे है, कम अज़ कम वो 50 साल आगे हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा अपने अपने वतन अजीज की जो माइंड सेट है, मेरे लौंडे लपाड़े जो कर रहे हैं वो भी अर्ज करना चाहता हूँ। नीम बनाए जा रहे हैं कि कहते हैं कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आए, कहते हैं इमरान खान मेरा बड़ा भाई है और वो जेल में बंद है, मैंने इसलिए कैंसिल जेल के अंदर। मेरे बच्चे जो है वतन अजीज के जिहादी जो है वो उनका माइंड सेट ये, और उनकी घड़ियां बड़े भाई की बेच दी थी भाई आपने, आपने तैयब अर्दगान के साथ बैठ के गालियां निकाली थी, और जो जहाज जो सऊदी ने दिया था उसमें बग थे वहां भी आपने बैठ कर वो गालियां निकाली थी छोटे भाईजान को, तो वो उनको आपका क्या ख्याल है, वो भूल गए सारा कुछ। लेकिन देखें इन सोचों से आपको आगे जाना होगा। आज आप मेरे ख्याल में जो चीमा साहब आपने स्लाइटली एक बात मेंशन की है, मेरे लिए वो बड़ी एक काबिले तकलीफ है कि आपने G20 को ब्लॉक कर दिया, आपने उस पर कवरेज नहीं की, पाकिस्तान में अपनी कौम को नहीं दिखाया कि आपके लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजज़े हो रहे हैं दुनिया के, वहां पे दुनिया के लीडरशिप फ्यूचर की बातें हो रही हैं, एशिया की बातें हो रही हैं, नए जो अलायंस हैं वो बन रहे हैं, और आप अपने बच्चों को रखना चाहते हैं उर्दू ट्वीटिंग के ऊपर। अक्सर आपने सुना होगा मीडिया के ऊपर भी कि सऊदीया हमारा बड़ा भाइयों वाले ताल्लुकात हैं, कोहे हमालिया से बुलंद, चट्टानों से ज्यादा मजबूत। मोहम्मद बिन सलमान जो है वो 2019 में जब आए थे तो पाकिस्तान से होते हुए भारत गए थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने पाकिस्तान आने से रिफ्यूज़ कर लिया। मेरा ख्याल है जब से मोहम्मद अब्दुल्ला आया अपने मुल्क की तो उसने बहुत तरक्की की है पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके उसके तल्लुक ठीक नहीं है आजकल। सर किस कंट्री के ठीक हैं इस टाइम? किसी के भी नहीं है सर, क्या हो रहा है ये? ये बस अल्लाह मालिक है, ये हमारे लीडर ही हैं जो तल्लुक ठीक नहीं करते, चोरी छिकारी करते हैं, पैसे ले जाते हैं। मुझे ये बताएं वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरा भारत का लोहा जो है वो पूरी दुनिया के आगे मनवाया है, बल्कि वो तो चांद पे ही पहुँच गए हैं, हम तो ज़मीन पे आ गए हैं सर। चांद पे भी और सूरज पे भी उन्होंने मिशन किया है, जल्द पहुँच जाएंगे, पहुँच गए हैं सर। आदित्य L1 मिशन किया है सबसे कम कीमत के ऊपर, पूरी दुनिया में बहुत सी कंट्रीज़ ने ट्राई किया था, लेकिन भारत ने जो कामयाब तजर्बा किया है वो सबसे कम कीमत के ऊपर किया है। और बाहर जो आप रहे हैं वहाँ पे आपने क्या देखा है, वहाँ पे उन्हें इज्जत दी जा रही है? नहीं, इंडियन कुवैत की टोटल पॉपुलेशन 34 लाख है, ठीक है, जिसमें से 16 लाख इंडियन है और पाकिस्तानी सिर्फ 72,000 हैं, सिर्फ 72,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ पे, जबकि 16 लाख इंडियंस हैं वहाँ पे। यहाँ से ही आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तानी और इंडियन का क्या कंपेरिजन है। मुझे एक बात बताएं सर, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तुर्की हो गया, उसने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि अगर यूनाइटेड नेशन का भारत परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हम पूरी बैक देंगे इंडिया को, उसके अंदर पूरा सपोर्ट देंगे।
अक्सर हम हर कंट्री पे कहते हैं हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात, लेकिन साबित वो कर रहे हैं इस्लामिक कंट्री सारी इस टाइम इंडिया को प्रेस कर रहे हैं। बात ये है कि हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है, ठीक है। इस वक्त इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तजारत के लिहाज से इंडिया का पाकिस्तान से कोई वो नहीं है। हमारी तो औकात यह है ना कि हमारा चावल पहले जाता था सऊदीया कुवैत, इन्होंने ऐसी बेईमानियाँ की कि आज वो पाकिस्तानी चावल ख़त्म हो गया, अब इंडिया से मंगवा रहे हैं वो। अब देखिए यार, सीधी सी बात है, अफगानिस्तान 40 साल जहाँ पे जंग रही, वहाँ पे डॉलर रेट क्या है, वहाँ पे बिजली का रेट क्या है, वहाँ पे इकॉनमी इस वक्त कहाँ जा रही है। आप जो 40 साल से एक स्टेबल कंट्री के तौर पर चल रहे हैं, जहाँ पर कोई जंग नहीं हुई, कोई और कोई इस तरह का कोई, ये छोटे मोटे डिज़ास्टर हर मुल्क में आते हैं। अभी रिसेंटली मराकश में कल 2800 लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, क्या वो मुल्क दोबारा खड़ा नहीं होगा? आपके मुल्क में 2005 में जो जलजला आया, जाएं जाके देखें अबटाबाद में, आज भी वहाँ पे वो स्कूल वो इमारतें गिरी थी, वो आज भी उसी तरह ही हैं। किसी हुकूमत को तो वीक नहीं हुई, दुनिया से एड लेते हैं, खाते हैं। सैलाब आया लास्ट ईयर आपके मुल्क में, कहाँ गया वो पैसा? पाकिस्तान के लीडर जो हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, जो मैं तो ये भी कहूँगा जो हमारे अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, कोई भी सिंसियर नहीं है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया? मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क है पाकिस्तान के मामले में। जैसे अभी आप बता रहे हैं जी, वो तो चाँद पर भी चले गए हैं, सूरज पर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत आगे निकल गए। ऐसा लगता है देख के दुनिया में आ गया वो भारत, इंडिया हमेशा बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अब बड़ी बात है जी, कैसा लगता है भारत की कामयाबी को देखते हुए एज आ पाकिस्तानी? हमें तो बुरा ही लगेगा, पाकिस्तानी है लेकिन उन्होंने मेहनत की, आगे गए हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को लूट रहे हैं, जिसको जहाँ बैठा हुआ है, जहाँ से मौका मिलता है वो पाकिस्तान को लूटता है। बुरा क्यों लगेगा हमें अगर वो कामयाब होगा तो? वो तो अपने लिहाज से हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, वो तरक्की कर रहा है, लगा वो मेहनत कर रहे हैं, तरक्की करनी चाहिए उन्हें भी। हालात में कैसे बेहतरी आएगी? जब हमारे लीडरान सिंसियर होंगे। कभी भारत जाने का इत्तेफाक हुआ है? कभी नहीं हुआ। अगर मौका मिला तो जाना पसंद करेंगे? नहीं, मैं नहीं पसंद करूंगा जाना। क्यों सर, क्यों? मतलब आखिर ऐसा भारत ने आपका क्या बिगाड़ लिया या क्या हो गया? ठीक नहीं है ना वो भारत में, भारत में पाकिस्तानियों के लिए जो हम सुनते आ रहे हैं। सर क्या हो गया मेडिकल में अगर आप जाके देखें? मैं अक्सर पेरेंट्स से मिलता हूँ, वो मुझे बताते हैं हम अपने बच्चों का इलाज जो है हमें पाकिस्तानी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि भारत जाके करा के आए, और जब वो गए हैं तो वो कहते हैं उन्होंने तो पाकिस्तानियों को बड़ा वार्म वेलकम किया है, आप कह रहे हैं मैं भारत नहीं जाऊंगा। भारत है जिसकी यूथ एपेटाइट रखती है तरक्की के लिए, पढ़ी लिखी यूथ, दे मैनिपुलेटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबली, तो चाइना इसको किस तरह जवाब देगा? अब चाइना के हालात, उसने सबसे बड़ा उसके साथ धोखा मेरे वतन अजीज में किया गया, $26 करोड़ के वीजे खरीदे गए, 16 उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करने थे उसमें से एक भी नहीं किया गया। 3.5 साल आपने BRICS पैक को फ्रीजर में रखा, और उसके बाद उसके उनके ऊपर सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ डेट ट्रैप फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। श्रीलंका की मिसाल सामने मौजूद है, इटली छोड़ के भागने वाला है, चाइना खुद क्राइसिस में है, रियल एस्टेट डाउन है, सप्लाई चेन रिस्टोर नहीं हुई, बड़ी कंपनियां भाग रही हैं आफ्टर COVID-19, बिजनेस वियतनाम मलेशिया बांग्लादेश और भारत जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? दुनिया ने आपके, मैं अब क्या कहूँ, बहुत बड़ी बात है। सर क्या आप लोड शेडिंग का शिकार हैं? नहीं, लोड शेडिंग जब आपकी बिजली इतनी एक्सपेंसिव इन्होंने कर दी है, अब तो लोड शेडिंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। जब आपके मुल्क में 50 से ऊपर यूनिट है और सुन रहे हैं कि जी ये नेक्स्ट मंथ से 90 तक चला जाएगा, लोड शेडिंग आप किस चीज़ की करेंगे? जब वो इतने ज़्यादा ओवर चार्जिंग ओवर बिलिंग कर रहे हैं, मार दिया गरीबों को, जिसकी आमदनी 25,000 है उसको अगर 30,000 बिल आ गया वो कहाँ से जमा करवाएगा? जहाँ न्यू दिल्ली में 300 यूनिट फ्री हैं जी, 300 यूनिट पहले सारे भारतीयों को फ्री हैं, वहाँ पे सऊदी अरब जाके मुआहिदा क्या कर रहा है अंडर सी पावर ग्रिड का, और जहाँ पे ₹90 यूनिट होने जा रहा है वहाँ पे वो आना भी पसंद नहीं। क्यों आएंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, क्या आप दे रहे हैं किसी इनिशिएटिव, क्या आप किसी मुल्क के लिए यहाँ पे कोई तजारत के लिए बड़े कोई वसीब और अच्छे मौके हैं? क्यों कोई आके इन्वेस्ट करेगा? अगर मुझे कोई कहे ₹10 की इन्वेस्ट करो, मैं पहले अपना इंटरेस्ट देखूंगा ना कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, कितना है, मुझे इन ₹10 पे रिवार्ड क्या मिलेगा, जब मुझे उस पर कुछ नहीं और कोई पता ही नहीं है किस वक्त क्या हो जाए।
किस वक्त कौन सी हुकूमत ख़त्म हो जाए, किस वक्त कौन आके कब्जा कर ले, कल का कोई भरोसा ही नहीं है। कौन मुल्क है जो क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसमें? डार्क है जी, डार्क डार्क। मैंने तो कहा है हमारी नस्ल तो खराब ख़त्म हो गई। हम लोगों ने परदेश में धक्के खाए, आज हमारे जब हम घर आए हैं तो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। ये क्या लाइफ है यार, क्या लाइफ है? हमारी नस्ल तो बर्बाद हो गई, आगे आपका इन बच्चों का फ्यूचर क्या है? सही बात है, डार्क है, कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी को बहैसियत पाकिस्तानी किस तरह देखते हैं आप? आप लीडर मानते हैं उन्हें? मैं लीडर मानता हूँ उन्हें, इंडिया के लिहाज से मैं लीडर मानता हूँ। वो इंडिया के लिए बहुत बेहतर है वो। ये कहते हैं जी उसने फसादत कराया, ये कराया, वो कराया, लेकिन जब से मेरे हाल वो आया तो इतनी तरक्की इंडिया ने कभी भी नहीं की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और भाई जो लोग पहले मोदी जी को गालियां देते थे, उन्हें कातिल कहते थे, आज वही पाकिस्तान के लोग मजबूर हो चुके हैं मोदी जी की तारीफ करने के लिए। और जो मोदी जी की ग्लोबल पावर है वो आज उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू टीक रही है। इंडिया जो कि वहाँ की मीडिया जो हमेशा उन्हें झूठ दिखाता थी, इंडिया के बारे में झूठी बातें वहाँ पे दिखाई जाती थी कि इंडिया में गुर्बत है, लोग फुटपाथ पे सोते हैं, लैटरिन नहीं है, आज उन्हें पता चल चुका है कि भाई इंडिया तो हमसे कई साल आगे जा चुका है। और आज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो हमें हमारी मीडिया दिखाती है वो सारी झूठी बातें थी, इंडिया तो हमसे कई आगे जा चुका है। और आज वो तारीफ करने से भी नहीं डरते, हिचकिचाते नहीं, आज वो खुले तौर पर अपनी गवर्नमेंट को गालियाँ देते हैं और इंडिया की भर भर के तारीफ करते हैं। तो भाई ये हाल पाकिस्तान का है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।